कर दिया सब चीज। जमीन पर ये पूरा किया खुला रखा था, ग्राउंड लेवल जो आ गया ना तो ग्राउंड लेवल हाँ पर खुला रखा। फिर वो हमारे प्लेन से 1 फीट की, तो 1 फीट तक पूरा हमने फिलिंग कर दिया। जो दूसरा मटेरियल जो यूज होता है वही कि जो कचरा बोलते कि आजू बाजू की मिट्टी या फिर जो पुराने कैरेज जो कचरा होते वो हाँ डाल, वो डाल के फिल कर दिया। किस जगह पे फिल किया? प्लिंथ में? हाँ प्लिंथ पूरी 1 फीट हमने पूरा घर जो ग्राउंड से 1 फीट हमें ऊंचा लेना है, तो जो हाँ पूरा आरसीसी की बीम रहेगा जो पूरा 1 फीट का, तो उसके बीच में जो जगह रहेगी उसको भी फिल करना पड़ेगा हमें। बीच की जगह। हाँ जिसकी जगह पे पहले नीचे चूना रखा उसके ऊपर रेती रखी और रेती के हाँ ऊपर कचरा रखा। जो भी ऐसे ही मतलब मिट्टी पत्थर फेंका हुआ जो कुछ आजू हाँ बाजू रहता है बिल्कुल वैसा। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन का जो किसी ने घर तोड़ा है और वो भी सब बच जाता है तो वो सब डाल दिया होता है। और हमारी जमीन में से निकला हुआ होगा, हमने फाउंडेशन किया है, पाया है, सब हमने किया है, तो उसका भी थोड़ा बहुत तो डाला है हमने। हमारा इवेंट अच्छा हमारे नजदीक बढ़िया। तो इसके कुछ वीडियो वीडियो कुछ बना रहे हैं आप बीच बीच में अलग अलग स्टेप्स में कैसे कब के? जैसे मान लो प्लिंथ बनाया, फिर थोड़ा सा उसका कुछ छोटा वीडियो 15-20 सेकंड का कि ऐसे हमने प्लिंथ बनाई, तो बनाइए तो मजा आएगा। क्योंकि क्योंकि मतलब नेचुरल इसमें कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, और नहीं हाँ तो अपने पास एक नेचुरल फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है, मतलब उनकी टीम है, तो वो लोग असाइनमेंट पे कहीं भी जाके उनका अच्छा वैसा ही वाला फोकस रहता है कि नेचुरल बिल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो हिसाब से वो प्रमोशन के लिए वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, फिर बाद में कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन वो अपने लिए भी अच्छा हो जाता है, रिकॉर्ड के लिए भी, और आप कहीं और भी डाल सकते हैं उसको। तो यदि कोई हैक कर रहे हैं ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने पास है, आपको कांटेक्ट चाहिए तो बात कर सकते हैं। हाँ कर रहे, लेकिन वो बस ऐसे ही कि क्या यादगिरी के लिए कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो नहीं करते। हाँ हमने किया है बस उसके लिए किया है हमने। और क्या है अच्छा कि मैं उधर नहीं हूँ साइड पर, मैं हर एक वीकेंड में जाता हूँ, कल मैं जाने वाला हूँ, तो वीकेंड पर भी जाता हूँ तब मैं कुछ करता हूँ, ताकि ठीक अदरवाइज तो मेरा भाई है और पिताजी वो रहते हैं, तो मतलब कि उसको बहुत ऐसा नहीं है कि ये करना चाहिए डॉक्यूमेंट करना चाहिए, बस हाँ मन हाँ है मतलब पसंद हाँ वो लग है, वो सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, तो किसी को वो रहा बनते हुए देखने में इंटरेस्ट है, किसी को ऐसा लगता है बस फाइनल बन जाए उतना ही बहुत है, तो वो सबके अलग अलग रहता है। तो मुझे लगता है कि आप क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइड में है ना, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ तो करना चाहिए। अभी कितने माले तक हो गया है? और चारों माल की स्लैब हो गई है, आरसीसी की जो स्लैब है वो हो गई है, धीरे धीरे हो रहा है। और अभी अच्छा ये जमीन का जो बनाया, फिर हमने ट्राई किया कि लिंटल जो बनते बारी के ऊपर का, कहीं हाँ पूरे घर में आरसीसी का लिंटल नहीं बनाया, सब जगह पे आरसीसी बनाई है जो ब्रिक की जो पहले के जमाने में होती थी, तो वो व्यू हाँ भी रहेगा, एस्थेटिक भी रहेगा, और जो करना है वो भी हो जाएगा। पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर तो है ही, तो लिंटल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैक्सिमम सीमेंट का जैसे यूज हो सके ऐसा यूज कम करने का ट्राई किया है। तीसरी चीज बहुत तो मैंने बढ़िया। इसकी चीज ये की कि जो जो हम ब्रिक यूज करते हैं तो ब्रिक थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेके आए कि उसका फिनिश थोड़ा अच्छा मिले हमें, तो जो वो लाल वो वाली ईंटे, बोल रहे हैं वो हाँ जो ईंटे लाल जो वाली? है मिट्टी वाली, तो उसमें क्या हाँ होता है कि बहुत तरीके से ब्रिक आती है कि कोई वो जली हुई होती है, कोई ब्लैक कलर की होती है, कोई की साइज लंबी चौड़ी होती है, तो उसी जगह पे हमने परफेक्ट जो रेगुलर ब्रिक है परफेक्ट, तो साइज में भी कलर में भी वो लिया है, और उसके ऊपर हम प्लास्टर नहीं करने वाले क्योंकि हमें उसको एक्सपोज खुला रखना छोड़ते है। हैं। हाँ हाँ खुला छोड़ हाँ रहे हैं, अंदर की ओर से प्लास्टर कर देंगे क्योंकि बाहर का वेट अंदर ना आ पाए, और तो कितनी ये दीवारें ली हैं अभी आपने मोटाई नाइन में? इंच 9 इंच ली है? इंच के लिए है। अच्छा, और ईंटों की आप जुड़ाई जो है वही मटेरियल से कर रहे हैं, चूना रेती वाले मटेरियल से या सही कर रहे हैं। हाँ है ना? बहुत बढ़िया। हाँ तो अभी जो जो आप बता रहे हैं ना, वैसे तो अपनी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको वो बाद में चाहिए तो आप इसमें इसको भी ले सकते हैं,
मेरा हमारा उद्देश्य यही है इन मीटिंग्स का कि कौन क्या कर रहा है वो भी अपन को पता चलेगा, और जैसे जैसे नई नई कोई अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसे अभी एक उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसमें जाके काम करने का, वो लोग रहना खाना सब करते हैं, अपन को जाना है काम करना है वैसा, तो वो जो भी आएंगी ऐसी मौके आएंगे अवसर आएंगे तो हम ग्रुप पे डालेंगे, सबको पता चलेगा कि अपन भी इसमें पार्ट ले सकते हैं और जो आ सकता है वो आ सकता है। आपका फोन दिख रहा है यहाँ पे, और आप फोटो दिखाने वाले हैं? हाँ मैं दिखा रहा हूँ कि अब एक हाँ चीज वो भी ट्राई की है हमने कि आरसीसी की जो स्लैब है स्लैब की जगह हाँ पे हमने जो रोहतक डोम बोलते हैं अच्छा वो मतलब ब्रिक की है वो। हाँ हाँ ये रही, ये पूरा ब्रिक मतलब कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है फ्रेम स्ट्रक्चर की बीच में आरसीसी की स्लैब नहीं है लेकिन ये ब्रिक की स्लैब बनाई है। बहुत बढ़िया, तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। इसके बनाने की प्रोसेस भी कुछ लिया है क्या, फोटो हाँ वीडियो वो कुछ हमने जिस पूरी समय ली बन है। रहा हाँ था? वो पूरी ली है कि आधे घर में हमने जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है दाईं ओर का वो आरसीसी की हाँ स्लैब का बनाया है और बाईं बाईं ओर का जो हिस्सा है वो हमने ये पूरा ब्रिक से बनाया है ब्रिक कि हम स्लैब नेचुरल किया, पर जाने वाले हैं कि आरसीसी में नहीं रहना है। तो बहुत आरसीसी की जगह बढ़िया। पे पुरानी जो सिस्टम थी ब्रिक वाली तो वो लेने से हमने ट्राई किया है। तो इसका और यदि आप वीडियो या जो भी आप फोटो आपके पास रहेंगी ना, ग्रुप में भी शेयर कीजिए, करता हूँ मैं तो बाकी लोगों को भी समझने के लिए मिलेगा। और आखिर में प्लास्टर है, प्लास्टर तो वो आपने दिया हुआ ही है गोबर का, वो किया नहीं है हाँ लेकिन हाँ उसका सैंपल लगवाया है हमने। अभी बातचीत हो अच्छा, रही है कल्पेश भाई से और हेमंत भाई से तो वही बात हमें कर रहे हैं करना ना, है। हाँ क्योंकि अभी तो प्लास्टर होम डेवलपमेंट भी करना चालू करने वाले हैं कल्पेश जी, हेमंत जी, तो मतलब अपन अपने लेवल पे ही वहीं पे फैक्ट्री डालेंगे गुजरात में ही, तो वहां पे ही प्लास्टर निर्माण भी होगा, तो फिर अच्छा और अच्छा रहेगा, मतलब जल्दी मिल जाएगा। और एकदम तो लास्ट में प्लास्टर अभी अंदर तुमने के साइड से कर रहे हैं कि बाहर के साइड नहीं, से? अंदर की साइड से ही करना है, बाहर की साइड से पूरा खुला छोड़ना है ना। बाहर से छोड़ रहे हैं, अच्छा। हाँ और एकदम लास्ट में जो फिनिश फ्लोर है कि टाइल्स की जगह पे हम कोटा स्टोन रखने का ट्राई कर रहे हैं कि जो नेचुरल जमीन में से ही आ रहा है तो बिना बहुत प्रोसेस बढ़िया किया रहेगा, हुआ सीधा कोटा स्टोन ही लगाना है। विट्रीफाइड ये सब चीजें वो तो केमिकल प्रोसेस से फैक्ट्री में से बन के आती है तो उसकी जगह पे ये कोटा स्टोन लगाने का ट्राई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। इतनी। और और जब हाँ पूरा होगा तो हम सबको बताइएगा, हम आएंगे सब वहां पे, अरे अपन सब। सबको दिखाएंगे। और एक ट्राई वो भी किया है कि जो वोकल स्लैब बोलते हैं कि आरसीसी की जो पूरी स्लैब है उसमें कम से कम यूज हुए आरसीसी का, उसके लिए हमने स्लैब में उल्टा मटका को मटका की डिजाइन की है कि हाँ वो हाँ आरसीसी उतना रिड्यूस होए और उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, वो काइंड ऑफ बीम क्रिएट करता है कि दो मटके के बीच में जो उसका पोर्शन रहेगा वो बीम जितना पोर्शन रहेगा तो वो भी एक स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम करता है तो वो भी उसका लॉजिक है। तो वो हाँ इसके लिए हमने पूरे स्लैब में ये एक मटके की स्लैब बनाई है हमने। तो कितना बड़ा मटका लिया उसमें, इतना नहीं लगभग क्या, मटके 6-7 इंच? टोटल स्लैब 5 इंच की है उसमें से 3 इंच का मटका है ऊपर 2 इंच 3 इंच की का आरसीसी मटका। की भराई है। हाँ ठीक है, और मतलब ऊपर से देखेंगे तो मटका नजर नहीं आएगा है ना, वो अंदर चला हाँ गया वो उसके अंदर। तो नीचे आप ऐसे सीलिंग में देखेंगे तो सीलिंग हाँ का एक एस्थेटिक भी बढ़ेगा और आरसीसी भी कंज्यूम होगा। ऊपर से तो हम जो उसके ऊपर टाइल्स मतलब कि कोटा स्टोन जो फ्लोर फिनिश करना है वो फ्लोर हाँ फिनिश हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं काम, बढ़िया चल रहा है। जय सियाराम मैत्री जी, मैत्री जी भी आ गई हैं अभी दिख रहा है मुझे, लेकिन मैत्री जी कुछ बोल नहीं रही हैं। जय सियाराम आचार्य जी। आपका घर का काम कैसा चल रहा है? घर का काम अभी फाउंडेशन का पूरा हो गया है, 3 दिन तक अभी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, बढ़िया। लेकिन ये जो कारीगर है वो उनको मतलब ठीक से जम नहीं रहा है ये अच्छा चूना का अच्छा काम।
अरे अपने रवि जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इनको इनसे पूछो कोई कारीगर इनसे बुलवा सकते हैं आप। नहीं तो अपने पास और भी हैं, हेमंत जी के पास, कल्पेश जी के पास भी हैं, पर रवि जी का काम तो चल ही रहा है। अपना ग्रुप इसलिए ही तो है कि मतलब एक को कुछ कमी पड़ रही है तो बात करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, वो हेमंत जी से बात हुई थी, कल ही बात हुई थी कि वो अच्छा प्लेन से आगे का करवाना हो तो, लेकिन उनका बजट थोड़ा ज्यादा हो रहा है हमारे हिसाब से, अच्छा इसलिए। रवि जी से आइडिया लेते हैं अपन। नॉर्मली इनका कैसे रहता है बजट के हिसाब से, बताइए कुछ आइडिया रवि जी, कुछ स्क्वायर फुट का ऐसा है क्या नंबर उधर हाँ, बजट जामनगर से में? बात की थी मैत्री जी ने भी, पर क्या है कि हम तो लोकल जो है उसे करवा दे, मतलब कि इकोनॉमिक जो रहता है, हम तो उसको बोल दे भाई आप सीमेंट यूज करो कि हमारा चूना यूज करो, आपको तो काम करके देना है, ऐसा बोल के हम थोड़ा ऐसे हाथ मक्खन लगा के उसको पा निकालवाते हैं काम उसे। पर अच्छा जो परफेक्ट काम करना है, टेक्निकली काम करना है, और उसका हमने ये जो सैंपल लगवाया है वो राजेंद्र सिंह से लगवाया है, राजकोट से आए थे, वो राजस्थान अच्छा से आए थे, तो मतलब कि उसकी प्राइस बहुत हाई है। तो हम वही अभी सोच रहे हैं कि मटेरियल ये यूज करें, लेकिन हम यूज करें मटेरियल को, तो अभी वो हो रहा है कि कैसे करे, कि राजेंद्र सिंह से ही शुरुआत करे क्या करे, वो तो है नहीं कि थोड़ा बहुत कॉस्टली तो नहीं बोल सकते, पर लेकिन है, इकोनॉमिक से तो ज्यादा है ही ये। और ये तो है ना कि आप पहली बार यदि करवाएंगे तो अपने हाँ सीखने के लिए भी एक बार तो किसी ना किसी को अच्छे से जो जितना उसका पैसा है वो दे के पूरा काम करवा के और साथ में सीखना भी सीखते भी जाइए, बाद में फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन सीखने के टाइम पे तो पैसा देना पड़ेगा। वही वही एक बार तो लगेगा पर उससे आपके आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। तो राजेंद्र जी का कैसा है, प्राइसिंग क्या है, मतलब वो स्क्वायर फुट से लेते हैं कि कैसे हाँ, लेते हैं स्क्वेयर फुट से लेते हैं वो और क्या क्या करते हैं? वो मिस्त्री है, पूरा क्या। वो मिस्त्री का काम करते हैं या सभी कुछ, मतलब मिस्त्री प्लस छत दीवार सब कुछ, खिड़की दरवाजे सब करते हैं? वो पूछा नहीं था मैंने, पर लेकिन इसका काम यही करते, पंचभूता का जो काम वो रहता है पूरे गुजरात हाँ में, तो ये हाँ राजेंद्र हाँ जी करते हैं, कि जो प्लास्टर का मतलब ये गोबर का जो प्लास्टर है, तो यही काम करते हैं ये। अच्छा। तो मैत्री जी को उनका नंबर भी दिलवा देते हैं यदि उनसे भी बात करनी है उनको तो। वैसे तो हेमंत जी से बात की है मैत्री जी ने, तो बात हाँ, तो एक ही वही है वही क्योंकि सब कनेक्टेड हैं हम लोग। हेमंत जी ने कल ही बोला 25 से 30 लाख का बजट दिया उन्होंने। अच्छा कितने स्क्वायर फुट है आपका? अराउंड 1,000 1,000 स्क्वायर फुट तो प्लिंथ तक तो हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, और ऊपर आपको बनाना है। और जो हेमंत जी ने बताया होगा वो फर्निशिंग को मिला के बताया होगा हाँ, वो है ना, फर्निशिंग लगा। अंदर का कुर्सी टेबल पलंग सोफा अलमारी ये सब पूरा हाँ, वो प्राकृतिक हम इसमें। वो नहीं बनवाना हो तो। हाँ तो वो हम लोग फिर बात करते हैं। मेरे ख्याल से वो वाला रेट नहीं दिया है क्या, फर्निशिंग के बिना क्या होता है? नहीं, वो नहीं दिया। अच्छा मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या बात, आपकी बात हुई कि दशरथ जी मतलब आपके पिताजी की बात हुई थी, मेरे पापा की बात हुई थी। पापा की बात हुई थी? अच्छा ठीक है, मैं हेमंत जी से पहले पूछता हूँ कि बात क्या हुई है, फिर हम देखते हैं। क्योंकि बिना फर्निशिंग के यदि अपन कर रहे हैं तो लगभग 1,500 पर स्क्वायर फुट आता है, तो यदि 1,000 स्क्वायर फुट है तो लगभग 15 लाख के आसपास तो आएगा। बाद में आप चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पलंग कुर्सी टेबल अलमारी जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो लेकिन मैं एक बार हेमंत जी से बात करके देख लूं कि उनका क्या चर्चा हुई थी, तभी फिर देख सकते हैं। और पर वो चूना अभी हमने मंगवाया है, वो केसरचंद फैक्ट्री से मंगवाया है, ये रवि भाई से पूछा था हमने, उन्होंने रेफरेंस दिया था। अच्छा, तो चूना मतलब कितना आया है, 400-500 किलो चूना या और ज्यादा है? एक सेकंड, पापा पापा पे चूना कितना लाए?
180 बैग्स लाए अभी तक, एक सौ और अस्सी बैग एक बैग कितने, 40 किलो वाला है कि 50 किलो वाला है? 50 50 किलो। अच्छा, तब तो अच्छा खासा चूना है, ऑलमोस्ट 9,000 किलो है। ठीक है, पर हाँ वो पूरे नहीं घर में काम आता है, इतना चूना तो आराम से लगता है। अभी तो ज्यादा लगेगा, ये तो प्लिंथ तक ही इतना लग गया है। नहीं ये लग चुका है या ये अभी रखा हुआ है बैग्स? मुझे लगा बैग अब रखे हुए। थोड़ा थोड़े बैग ही पड़े हैं, हाँ 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 ज्यादातर तो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ये लग चुका है। ओके ठीक हाँ है, मतलब फिर बाद में अभी और मंगाना पड़े। क्या रेट से मिला? 13-12-13 कुछ? 350 साढ़े और तीन इम्पोर्टेशन सौ का अलग पर 350 पर बैग का मिला होगा ना? बैग। हाँ ठीक है, तो ये तो अच्छा प्राइस है। ये इसमें वो पत्थर है ना चूने के, जो वो पत्थर जैसे वो आते हैं, कली चूना जिसको अपन बोलते हैं। नहीं, वो रेडीमेड पाउडर ही आता है, हमें सुर्खी के साथ मिला हुआ। अच्छा, ये सुर्खी के साथ मिला हुआ पाउडर है। और यहाँ अहमदाबाद से मंगा है, इसलिए यहाँ तक लाने का खर्चा गिने तो एक बैग 450 में पड़ता है। ठीक है। हाँ वही मुझे लग रहा था, ओरिजिनल प्राइस तो उसकी लगभग 7 रुपए के आसपास आ रही थी, पर ट्रांसपोर्ट मिला के थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा आपको। पर ये अच्छा, तो सुर्खी के साथ मिला हुआ है, तो इसको यदि जब आप पानी में मिलाते हैं तो ये उबलता है? नहीं उबलता नहीं है, लेकिन एक दिन भिगो के रखना पड़ता है, फिर दूसरे दिन काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? जुड़ाई में कर रहे हैं या अभी तक कहाँ कहाँ पे उपयोग किया है? अभी तक जो भी किया ना, वो फाउंडेशन हमने पत्थर वाला किया, उसमें चूना का ही इस्तेमाल किया है, प्लिंथ तक सब सब में ये चूना ही अच्छा था। ठीक है अभी। ठीक है, अभी मुझे इसका यदि बैग की कोई फोटो है तो आप मुझे भेजिएगा, या तो ग्रुप में भेज दीजिएगा तो भी चलेगा। मैं देखना चाहूंगा कि बैग के ऊपर क्या लिखा हुआ है और कैसा है, क्योंकि यदि उबल नहीं रहा है तो मतलब यदि हम उपयोग करेंगे चूना तो हम शायद ये वाला तो नहीं करेंगे। वो जो कली चूना प्रॉपर पत्थर होते हैं, इसको कर हाँ सकते हैं, पर इसको प्लास्टरिंग टाइम पे उपयोग कर सकते हैं हम। दिक्कत क्या है, यहाँ पे कारीगर कोई तैयार नहीं हो रहे हैं, ये तैयार चूना ला के दिया फिर भी मना कर रहे थे। फिर कारीगर तो हमको याद है, वो अपने एरिया में हम भी बाहर से ही लेके आए थे, आपको याद है हमने जब इधर काम किया था ना वो आश्रम में, वहां पे हाँ भी हमको बाहर से ही लाना पड़ा था। हम कम से कम 1 महीने तक ढूंढते रहे कारीगर लोगों को, हाँ कोई तैयार नहीं हुआ। फिर बाहर से हमको मतलब यहाँ वडोदरा से कल्पेश जी, हेमंत जी लोग लेके आए, हम लोग सब मिलके लगभग 8-9 लोगों को, और फिर पूरा काम किया। तो कारीगर का तो है वहां पे इशू, मुझे याद है। पर हाँ ठीक है, वहां के नहीं करेंगे तो कहीं और के करेंगे, कोई तो काम करेगा ही। ठीक है, मैं हेमंत जी से बात करके देख लूंगा। अभी इस कॉल का उद्देश्य क्या है कि हम पहले तो आज जैसे पहली बार कर रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है, किसका क्या चल रहा है, हम वो पता कर रहे हैं। लेकिन अगली बार से हम नई नई चीजें, जैसे कोई नई वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी आई तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी अभी मैंने एक वो लिया है, जो एयर क्वालिटी मीटर, मतलब एक छोटा सा ऐसा मोबाइल के मोबाइल से भी छोटा ऐसा चीज है जिसको आप कहीं पे भी रखेंगे तो उधर की हवा में क्या क्या जहरीली गैसें, क्या क्या है, कैसा कैसा है, वो बताता है। तो वो बड़े मतलब क्लाइंट को दिखाने के हिसाब से बहुत काम की चीज है, कि जैसे कोई सीमेंट का घर है तो वहां पे एयर हवा में किस तरह का गैसेस हैं, और जब हम कोई प्राकृतिक घर बनाते हैं कुछ तो वहां पे कैसा होता है, अंतर क्या होता है। तो वो मैं दिखाऊंगा अगली बार, वो भी दिखाएंगे। और फिर बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई भी एक, हम लोग यदि नेचुरल बिल्डिंग प्राकृतिक निर्माण को अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं, मतलब सिर्फ अपना घर
बनाने के बाद मान लो आप और भी लोगों के घर बनाने में सहायता करना चाहते हैं, इसको पूरा एक बिजनेस की तरह या काम की तरह करना चाहते हैं, तो क्या-क्या चीजें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं, ये सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हर बार हम जब हर हफ्ते एक बार मिलेंगे तो आधे घंटे के लिए मिलेंगे, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, पर वो काम का होना चाहिए। बिल्कुल 30 मिनट हम खूब काम की बातें करेंगे और आशा है कि आप सब लोगों को मजा आएगा। तो अभी तो अपन 3 लोग आ गए इस बार, अगली बार देखिएगा ग्रुप में और लोगों से भी यदि आप बात करके बाकियों को भी बुला सकते हैं तो और अच्छा रहेगा, तो सबका फायदा होगा। ठीक है, आप चलो। तो अभी 6:30 होने में 2 मिनट हैं। अभी रवि जी या आप कुछ बताना चाहते हैं या कोई कहीं पे और कोई चीज है जो बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं, अभी 2 मिनट हैं अपने पास। अभी हमने एक अहमदाबाद में एक वे वैदिक प्लास्टर वाले हैं, हमारे गांव हाँ में कॉन्ट्रैक्टर है ना, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ रंगपुर में। हाँ रंगपुर में, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया था। वो सिर्फ गोबर का प्लास्टर करते हैं, गोबर और सिर्फ जुड़ाई के लिए कुछ मिलाते हैं उसमें। हाँ उन्होंने मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने 20 रुपया पर स्क्वायर फुट कहा था, ठीक है, वो सिर्फ सिर्फ गोबर। जुड़ाई का है, हाँ ठीक प्लास्टर। है, प्लास्टरिंग का। अच्छा ठीक है, अब हमने जो प्राइस बोला है वो तो मतलब सब मिला के है, उसमें मटेरियल भी अपना ही है, मतलब उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हाँ वो तो आप जैसे तो वैदिक प्लास्टर करते हैं ना, ये तो सिर्फ इन्होंने तो सिर्फ गोबर का ही कहा था हाँ, और हम कुछ गोबर नहीं। मिक्स करते हैं लेकिन गोबर एक लिमिटेड मात्रा में रखते हैं उसको, पर यदि वो करते हैं तो आप उनसे बात करके देखिए, यदि वो आगे का काम भी करवा दें तो अच्छा है ना, आपके आसपास ही वहीं पे मिल जाएंगे। नहीं तो हेमंत जी से तो मैं बात करूंगा ही, वहां क्या पता चलता है फिर देखते हैं। हाँ, और आपको ये वो ऑक्साइड फ्लोरिंग का पता है? रेड ऑक्साइड ऑक्साइड बोल रहे फ्लोरिंग, हैं। हाँ, हाँ रेड ऑक्साइड। गेरू गेरू उसमें लगाते हैं। हाँ हाँ, तो वो करवाना हो तो हाँ तो करते ही है ना, हमने वहां आचार्य जी के उधर भी तो किया ही है वैसा वाला अच्छा, आश्रम में। वो तो आपको हमने जो नहीं। करना मतलब जैसी फिनिशिंग चाहिए आप बताइए, फिर वो हम कैसे करना है वो हम कर लेंगे, पर बस हमको पता रहना चाहिए कि कैसा करना है, बाकी तो सब हो जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। आपको ऐसा चाहिए कि मान लो कोई बहुत बड़ा 3-4 4 स्टार 5 स्टार होटल के जैसा घर दिखना चाहिए, वैसा भी होता है, लेकिन बस आपको हमको बताना पड़ेगा कि ऐसा हमको चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा बहुत प्राइस चेंज होता है। तो क्योंकि उस तरह की फिनिशिंग उस तरह की चीजें उसमें लगानी पड़ेंगी, जैसे होटल होटल में ऐसे संगमरमर और मार्बल का ये सब कुछ कुछ लगा लगा रहता है, तो वो सब करना पड़ेगा, तो हो जाता है, सब हाँ हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं। चलिए अभी 6:30 हो गया है, अब हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा ग्रुप में, और रवि जी और मैत्री जी आप लोग के जो भी काम चल रहे हैं उनकी यदि थोड़ी बहुत फोटो वीडियो जो यदि आप कुछ डालें ग्रुप में तो हम लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, चलिए, जय सियाराम रवि जी और मैत्री जी, फिर थैंक मिलते यू। हैं।